सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के T2X 5G डिवाइस के अंदर आप जो है ऐप ड्रॉअर को इनेबल कैसे करेंगे। अगर आपको भी अपने फोन के अंदर ऐप ड्रॉअर को एक्टिवेट करना है तो नो डाउट आप आसानी से कर सकते हैं। चलो गाइस, अभी डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हमें यूज करना है ऐप ड्रॉअर सेटिंग्स का। वेल गाइस, फोन के अंदर ऐप ड्रॉअर को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे फोन में अभी ये ऐप ड्रॉअर एक्सेस हो रहा है और हम यहां पर आपको लेके चलते हैं उस सेटिंग्स के अंदर जहां पर स्टैंडर्ड मोड और ऐप ड्रॉअर दोनों देखने को मिल जाता है। आप जो मल्टीपल चीजें हैं तो दोनों में से आप जिसको भी एक्सेस करना चाहें आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए सेटिंग को प्रेस करेंगे, नीचे आना स्क्रॉल डाउन करके, एक सेटिंग्स मिलेगी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, एक बार इसको प्रेस करेंगे आपको देख यहां पर एक सेटिंग्स मिलेगी होम सेटिंग्स करके एक सेटिंग्स है, इसको प्रेस करिए। यहां मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, फर्स्ट नंबर पर आपको मिल जाता है होम स्क्रीन स्टाइल, एक बार इसको प्रेस करेंगे। मैं अभी अपने स्क्रीन को ड्रॉअर मोड में एक्सेस कर रहा हूं और यहां पर स्टैंडर्ड मोड एक बार करके दिखाता हूं। एंड स्टैंडर्ड मोड क्या होता है मैं उसको भी यहां पर बता देता हूं जो लोग यूज करें ड्रॉअर मोड। एक्चुअली ये जो हमारा फोन अब चल रहा रन कर रहा ये ड्रॉअर मोड में यूज हो रहा है, देख सकते हो। और गाइस, हमने आई थिंक बहुत सारी एप्लीकेशंस को यहां पर डाउनलोड करके रखा हुआ है तो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो यहां पर ये स्टैंडर्ड मोड है। अब इसको हम रिसेंट ऐप पर जाके हम इसको चले जाते हैं सेटिंग्स के अंदर वापस से, क्योंकि अब हमें ऐप ड्रॉअर को एक्टिवेट करना है। इसको प्रेस करेंगे, वापस यहां पर आएंगे एंड इसको हम सेट कर देंगे, हमारे फोन के अंदर ऐप ड्रॉअर एक्टिवेट हो जाएगा। यू नो, आप देख सकते हो ये सारे एप्लीकेशंस थोड़ी टाइम बाद ये फिर से ऐप ड्रॉअर में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ऐप ड्रॉअर का एक्सेस करना है। टी सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट सभी फोनों में ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन होता है, वाई सीरीज में बहुत सारे फोनों में नहीं होता। उसमें क्या होता है कि वाई सीरीज में आपको एक साथ ही दिया जाता है ऐप ड्रॉअर और स्टैंडर्ड मोड, तो बहुत फोनों में नहीं देखने को मिलता, फिलहाल टी सीरीज में आपको सभी में देखने को मिल जाता है।